हरदा जिले में नर्मदा नदी के बीचों बीच रेत माफियाओं द्वारा पोकलेन मशीनों में रेत का अवैध उत्खनन के मामले में पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल ने आवाज उठाई थी और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक यह मामला सुर्खियों में आया। पटेल ने आरोप लगाया था कि कलेक्टर एसपी और खनिज अधिकारी द्वारा रेत ठेकेदार के साथ मिलकर सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और प्रमुख सचिव सहित एनजीटी में प्रकरण भी दर्ज कराया गया था, जिस पर प्रदेश के मुखिया के द्वारा मशीनों से नदी में खनन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं हरदा कलेक्टर श्रीकांत बनोत पर आरोप लगाते हुए पटेल ने कहा कि उनके पुत्र सुदीप पटेल जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष है, जिस पर जिला बदर की कार्रवाई पर खींच निकाली गई थी। इस तबादले के होने का कारण पूर्व मंत्री कमल पटेल के पुत्र सुदीप पटेल के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई व नर्मदा नदी में रेत खनन के मुद्दे को लेकर उनका तबादला किया गया। पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल के पुत्र सुदीप के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई करना आखिर हरदा कलेक्टर श्रीकांत बनोत को भारी पड़ गया। इसमें आपकी जान को खतरा है, आपने मुख्यमंत्री को लिखित में एक आवेदन भी दिया, उस पर भी आप बताइए। नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा, कल थे नहीं मुख्यमंत्री जी, रीवा चले गए थे, लेकिन मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह जी से मैं मिल के आया, पूरी मैंने घटनाक्रम बताया। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया कि आपके कारण इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैंने कहा आपका भी धन्यवाद, लेकिन बाकी कार्रवाई अधिकारियों पे आप करिए। और ये कलेक्टर जो बनोट, जब नर्मदा जी को मैं प्रभारी मंत्री जी को ले गया ऊंचांग और आकस्मिक निरीक्षण कराया, और वहाँ पर नर्मदा के अंदर से नावों से खुदाई तेतागारी डुबकी लगा के भर रहे थे और पोकलैन मशीनों को छुपा दी। वो तीन पोकलैन मशीनें हमने वहाँ जब्त करवाई और करीब 75 डंपर थे, उनको जब्त करने के निर्देश मंत्री जी ने दिए। अब बताइए कि मध्य प्रदेश के मंत्री, सामान्य प्रशासन मंत्री जिनके अंडर में कलेक्टर आते हैं, एसपी आते हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, उनके आदेश का भी पालन नहीं किया। एसपी की इतनी हिम्मत कि मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री जी ने मौखिक आदेश दिए, क्योंकि उनके पास रॉयल्टी थी इसलिए हमने छोड़ दिए। कोई रॉयल्टी नहीं थी हम जब गए थे, और रॉयल्टी थी तो भी नर्मदा के बहते पानी में से रेत नहीं निकाल सकते, नर्मदा जी को खोद नहीं सकते। इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम होना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ जो अन्याय करता है वो पापी है, लेकिन जो सहन करता वो उससे बड़ा है, और जो संरक्षण देता है वो महाबड़ा है। ये प्रशासनिक अधिकारी इनको संरक्षण दे रहे हैं, और इसलिए महापापी है, इनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण कायम होना चाहिए। और मेरी सुरक्षा के लिए, हालांकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन मरना, लेकिन फिर भी इन अन्यायियों को सजा नहीं दिला दूँ जब तक माँ नर्मदा मुझे स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। और इसलिए मेरी पूरी सुरक्षा, मेरे परिवार की सुरक्षा, मेरे ऊपर कोई झूठे प्रकरण नहीं कायम हो, मेरे परिवार पे, मेरे कार्यकर्ताओं पे, क्योंकि ये प्रशासनिक तंत्र षड्यंत्र कर रहा है, कहीं भी किसी पे भी कुछ भी कराकर हमारे को फंसा सकता है। और इसलिए कोई भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट आती है तो उच्च स्तरीय जांच हो, बाहर के अधिकारियों से जांच कराएं। अगर हम दोषी हैं तो बिल्कुल कानून के तहत सजा मिलना चाहिए, लेकिन निर्दोष है तो नहीं पता चले, क्योंकि अभी तक हम जितने भी हमारे ऊपर केस हुए सब झूठे हुए। मेरे बेटे के ऊपर जितने केस हुए 2-307 के, खुद बाद में हमने उच्च स्तरीय जांच कराई, झूठे पाए गए। मेरे ऊपर हमला हुआ 307 सामने वालों पर लगी, लेकिन मेरे पे 307 तीन घंटे बाद लगा दी झूठी, मेरे दोनों बच्चों पर लगा दी। और इस प्रकार और बाकी सब कोर्ट में जितने भी केस चले सब में बरी हुआ है, एक भी केस में कोई सजा नहीं है, उसके बावजूद जिला बदर कर दिया दुर्भावना से, उसकी भी हमको चिंता नहीं है, हम लड़ लेंगे। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता, सत्य की जीत होती है। पहले भी हमारी जीत हुई है, आगे भी होगी। इन प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल यहाँ से हटाया जाए और एक दल आकर पूरी नर्मदा जी को वीडियोग्राफी कराकर निष्पक्ष पूरी जांच करें तो 5,000 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में जमा होंगे। मेरे बेटे सुदीप जो जनपद का उपाध्यक्ष है खिड़किया का, उसकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा है, जनता ने भारी बहुमत से हमको जिताया है, और 2 साल पहले हमारे ऊपर कई केस झूठे लगाए, मेरे पे भी 307 का 302 का झूठा लगाया, हम न्यायालय से जीत के आए, डिस्चार्ज हुए, सुप्रीम कोर्ट तक हम जीते, लेकिन आज अचानक कलेक्टर हरदा ने 2 साल से पेंडिंग केस को जिला बदर किया, दुर्भावनावश किया है, ये स्पष्ट है। लेकिन कमल पटेल इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है, हमको न्यायालय पर भरोसा, न्यायालय में न्याय मिलेगा। जिला बदर क्या प्रदेश बदल भी कर दे तो भी इनको नहीं छोड़ेंगे। ये भ्रष्ट जो गिरोह है प्रशासनिक अधिकारी, और दुर्भाग्य है कि IAS और IPS अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी कलेक्टर है एसपी की,
कि पूरे जिले की सुरक्षा करें, शासन के आदेश का पालन करें, मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करें, मुख्यमंत्री के आदेश को पालन करें, लेकिन ये मुख्यमंत्री के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इतने बेईमान हो गए गिरोह से मिलकर, क्योंकि इनको सैकड़ों लाखों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इनका भंडाफोड़ करेंगे, इनको जेल भिजवाएंगे, और इस भ्रष्ट तंत्र को और गिरोहों को और रेड माफियाओं को जब तक सजा नहीं दिला दूंगा, और माँ नर्मदा को जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरे ऊपर कितने झूठे केस लाते, लेकिन सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पर जितनी हो सकता है सत्य की जीत होगी, और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, मुख्यमंत्री जी हमारे साथ है, और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता हमारे साथ है।